बहुजन समाज पार्टी हरियाणा विधानसभा चुनाव में अकेले ही मैदान में उतरेगी। पार्टी प्रदेश की सभी 90 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। सोमवार को बहुजन समाज पार्टी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने ये जानकारी दी है। उन्होंने साफ कर दिया कि हरियाणा में कांग्रेस या किसी और पार्टी के साथ गठबंधन नहीं किया जाएगा। मिश्रा के इस बयान के बाद बहुजन समाज पार्टी के कांग्रेस के साथ गठबंधन की चर्चाओं पर भी विराम लग गया है। इससे पहले बहुजन समाज पार्टी ने दुष्यंत चौटाला की पार्टी जननायक जनता पार्टी से गठबंधन किया था। हरियाणा में जननायक जनता पार्टी के साथ गठबंधन तोड़ने का ऐलान करते हुए बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने ट्वीट कर लिखा था कि बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और सीट बंटवारे में जननायक जनता पार्टी का रवैया ठीक नहीं था, इसलिए स्थानीय नेताओं के सुझाव पर गठबंधन खत्म कर दिया गया। दुष्यंत चौटाला ने मायावती के निर्णय के जवाब में कहा कि उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को पूरा सम्मान दिया था। 11 अगस्त को दिल्ली में दुष्यंत चौटाला और बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा के साथ विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की गई थी। तय था कि जननायक जनता पार्टी 50 सीटों पर और बहुजन समाज पार्टी 40 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हरियाणा में बहुजन समाज पार्टी ने 1998 में इंडियन नेशनल लोक दल के साथ गठबंधन किया था। 2009 में कुलदीप बिश्नोई की हरियाणा जनहित कांग्रेस के साथ गठबंधन किया। मई 2018 में फिर से इंडियन नेशनल लोक दल के साथ मिलकर चलने का फैसला किया गया, लेकिन ये गठबंधन 9 महीने बाद टूट गया। जिंद उपचुनाव में करारी हार के बाद बहुजन समाज पार्टी का इनेलो का अस्तित्व खतरे में नजर आने लग गया। इनेलो के साथ गठबंधन तोड़कर फरवरी 2019 में राजकुमार सैनी की लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी का साथ लेने का मन बनाया गया। हालांकि ये गठबंधन भी ज्यादा दिन नहीं चल पाया।